हाय स्टूडेंट, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, 3 मार्क के अंदर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, थर्मल कंसीडरेशन इन वार्म गियर। अब इसको समझना है, ये थर्मल कंसीडरेशन इन वार्म गियर क्या है। तो आप किसी भी गियर के अंदर जो गियर टूथ होता है, आप लुब्रिकेशंस का यूज करते हो। क्यों लुब्रिकेशंस यूज करना चाहिए? क्योंकि दोनों गियर होते हैं, उसके टूथ होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं। कोई भी चीज रिलेटिव मोशंस होती है दोनों गियर के बीच में, फ्रिक्शन। तो क्या होता है, रिलेटिव मोशंस हो, अब हाथ को ऐसे रफ कीजिए, क्या होगा, हीट जनरेट होगी। सेम उसी तरीके से गियर टूथ जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हीट जनरेट होती है, क्योंकि वो एक दूसरे के बीच में कॉन्टेक्ट होता रहता है कंटिन्यूस। यस और नो, दोनों गियर है, उसके गियर टूथ है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रिपीटेड आ ही रहे, तो जो जहां पे कॉन्टेक्ट एरिया होगा वहां पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी। जैसे आप इस ये दोनों आप ले लो, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशंस यानी कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, यही दोनों सरफेस, तो वहां पे क्या जनरेट हो रहा है, हीट। तो हमें कुछ ऐसा लुब्रिकेशन ऑयल वहां पे यूज करना होगा कि जिससे हम वहां पे जो हीट जनरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। अब देखो, लुब्रिकेशन हम किसी भी गियर टूथ पे कौन सा लुब्रिकेशन ऑयल लगाना है वो कैसे हम डिसाइड करें? तो अगर मुझे पता हो कि मैं इनपुट पावर कितना दे रहा हूं, अगर मुझे यह पता हो इनपुट पावर में कितना दे रहा हूं, मुझे यह पता हो कि गियर की एफिशिएंसी क्या है, ध्यान से समझना, मुझे अगर पता है मैं इनपुट पावर कितना दे रहा हूं यानी मैं पावर कितना दे रहा हूं वो मुझे पता हो, मेरी एफिशिएंसी गियर की क्या है वो मुझे पता हो, और बाहर में सराउंडिंग एयर है जहां पर मैं हीट ट्रांसफर करूं, क्योंकि लुब्रिकेशन ऑयल क्या करेगा, गियर टूथ का जो वहां पे हीट जनरेट होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो अब लुब्रिकेशन ऑयल है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसी हीट को वो क्या कर देगा, एयर में डिसिपेट कर देगा। तो कैसे डिसिपेट करेगा, कन्वेक्शन के थ्रू। तो लुब्रिकेशन ऑयल है, उसने वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करा और उसको फिर जो सराउंडिंग एयर थी वहां पे कन्वेक्शन के थ्रू उसने हीट ट्रांसफर करा दी, हीट ट्रांसफर का फंडा है, क्लियर। अब मुझे यह पता हो कि जो बाहर सराउंडिंग में एयर है उसका टेम्परेचर क्या है और उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यानी एच एयर क्या है। सो मुझे अगर इतनी चीजें पता हो, सो आई कैन फाइंड आउट कि भाई मेरा, अगर मान लो कि मैं समथिंग इनपुट पावर मुझे पता है, एफिशिएंसी मुझे पता है, एयर का बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, एच की वैल्यू पता है, एरिया की वैल्यू मुझे पता है, सरफेस एरिया है ना, इसकी वैल्यू मुझे पता है, सो आई कैन फाइंड आउट के लुब्रिकेशन ऑयल तो वहां पे कितना हीट जनरेट होगा, है ना, लुब्रिकेशन ऑयल का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जा सकता है। मान लो कि मुझे पता चला इस इक्वेशंस का यूज करके कि TU आपका होने वाला है 130 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आपकी एफिशिएंसी फिक्स है, आपका इनपुट पावर फिक्स है, सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर फिक्स है, H फिक्स है, सरफेस एरिया फिक्स है, तो मुझे पता चल गया कि अगर आप इतना इनपुट पावर देंगे, इतना एफिशिएंसी वाला गियर का, तो आउटपुट का टेम्परेचर, आपका जो लुब्रिकेशन ऑयल का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 130 तक तो जा सकता है। तो इसका मतलब मुझे ऐसे लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना है कि जो ये 130 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है उसको विदस्टैंड कर पाए। अब मान लो कि आपने कुछ ऐसा, अब आपने इस इक्वेशन आपको नहीं पता हो और आपने कुछ भी ऐसा रैंडम लुब्रिकेशन ऑयल ले रहा है जो मैक्सिमम 90 डिग्री सेल्सियस तक की वो सहन कर सकते हैं, वो उसकी परमिसिबल लिमिट है, उसके बाद लुब्रिकेशन ऑयल एज अ लुब्रिकेशन ऑयल तरह के काम करना बंद कर देगा अगर 90 से ज्यादा जाएगा। अब आपका यहां पे टेम्परेचर तो जा रहा है 130 और आपने 90 डिग्री वाला यूज किया, तो फिर वो इसको नहीं सहन कर पाएगा, यानी आफ्टर 90 डिग्री वो अपनी लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो प्रॉपर्टीज है वो गवा देगा, क्योंकि उसका परमिसिबल लिमिट ही 90 डिग्री। तो अब आपको एक बार पता चल जाएगा कि अगर आप, मेरे को पता हो कि इनपुट पावर में कितना दे रहा हूं, गियर का एफिशिएंसी कितना है, सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर कितना है, एच की वैल्यू क्या है, सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है, आई कैन डिसाइड कि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना, तो मुझे पता चल गया 130 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे अब ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना है कि जो ये 130 डिग्री सेल्सियस के सामने विदस्टैंड कर पाए, यानी जिसकी परमिसिबल लिमिट 130 से ज्यादा हो। मान लो कि मैं ले लूं 160 डिग्री सेल्सियस, तो ये 160 डिग्री सेल्सियस का एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल काम कर सकता है, उसके बाद वो नहीं करेगा, लेकिन यहां पे मैक्सिमम कितना जाएगा 130, सो आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर लुब्रिकेटिंग ऑयल as a for lubrications. So for this is called thermal consideration in warm gear. समझ में आया? So from these equations I can find out कि मुझे कौन सा lubrication oil use करना है कि जो उस temperature को withstand कर पाए, इसीलिए इसको बोलते हैं thermal consideration in warm gear. अब आपको सवाल होगा कि सर ये equations आया कहाँ से? चलो 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 यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अब heat कितनी generate होगी? तो मुझे पता है heat कितनी generate होगी? Input power minus output. मान लो कि input power है मेरा 50 kilowatt.
आउटपुट मिल रहा है 30 किलोवाट। तो 20 किलोवाट किसका लॉस है? दैट इज फ्रिक्शन लॉसेस, इसकी वजह से हीट जनरेट होता है। सो कैन आई राइट लॉसेस, यानी वो हीट के फॉर्म में जनरेट हो गए, तो लॉसेस क्या होगा? इनपुट माइनस आउटपुट, तो इसको मैं हीट जनरेट बोल सकता हूं, यस और नो? सो हीट जनरेटर विल बी इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर। नाउ PI माइनस, अब मुझे एफिशिएंसी क्या होता है? तो एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो PO इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू PI लिख सकता हूं, तो PO की जगह एफिशिएंसी इनटू PI लिख दिया, PI PI कॉमन काटो, क्या हो जाएगा? 1 माइनस एफिशिएंसी, यस और नो मेरे प्यारे बच्चों? यस। सो अब हीट जनरेटर, अब ये जो हीट जनरेट होगी वही जो हीट जनरेटर हुई, ये जो हीट जनरेटर हुई है वो क्या करेगा? लुब्रिकेशन, उसी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको एनवायरमेंट में डिसिपेट कर देगा। सो हीट डिसिपेटेड बाय लुब्रिकेशन ऑयल इज इक्वल टू HA डेल्टा T कन्वेक्शन के थ्रू। तो H एयर सरफेस एरिया, लुब्रिकेशन ऑयल का टेम्परेचर को मैं बोलूंगा TO, और एयर का टेम्परेचर होगा उसको बोलूंगा TA। सो कैन आई से दैट व्हाटएवर द हीट जनरेटेड द सेम विल बी डिसिपेटेड? सो हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड, सो HG इक्वल टू HD। तो इस दोनों को इक्वेट कर दो। सो देयरफॉर PI 1 माइनस एफिशिएंसी इज इक्वल टू HA TO माइनस TA। तो अब मुझे क्या चाहिए? TO चाहिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है? तो TO का मैं इस तरीके से इक्वेशंस फाइंड कर सकता हूं। सो TO इक्वल टू PI 1 माइनस एफिशिएंसी HS प्लस TA, यस और नो? सो व्हाई आई एम फाइंडिंग दिस टेम्परेचर? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका फायदा क्या होगा। सो फ्रॉम दिस आई कैन फाइंड आउट, अगर मुझे इनपुट पावर मुझे पता है, एफिशिएंसी ऑफ गियर मुझे पता है, सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर पता है, मुझे AS पता है, सरफेस एरिया पता है, H की वैल्यू पता है, सो आई कैन फाइंड आउट कि भाई फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गियर, फॉर दिस पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ पावर, फॉर पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ एफिशिएंसी, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल विल बी दिस मच। सो मुझे इस तरीके का लुब्रिकेशन ऑयल यूज करना होगा कि जो उस टेम्परेचर को विस्टैंड कर पाए। सो दैट इज वाई इस टॉपिक को बोलते हैं थर्मल कंसिडरेशन इन वार्म गियर, है ना? क्योंकि हमने थर्मल कंसिडरेशन हमने यूज किया। सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट। आई होप को समझ में आएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।